हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड को समझने और समझाने वाले हैं वो हमारे पिछले वर्ड का थोड़ा दूसरा पार्ट है। और आज का ये जो वर्ड है हाइपरमेट्रोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, इसे हम हिंदी में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष एक ऐसा कंडीशन है जहां पर कोई भी व्यक्ति दूर की चीजों को बहुत साफ साफ देख लेता है लेकिन पास की चीजों को वो साफ नहीं देख पाता। अभी मेरे आप स्पेक देख रहे हैं मेरे चेहरे पर, मुझे पास की चीजों को देखने के लिए इसकी जरूरत नहीं है, मैं बहुत आसानी से देख सकता हूं। इसका मतलब यह है कि मुझे मायोपिया की प्रॉब्लम है, ना कि हाइपरमेट्रोपिया। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको दूर की चीजों को देखने के लिए स्पेक की जरूरत नहीं, वो बहुत साफ साफ देख लेंगे। पास की चीजों को पढ़ने के लिए उनको या तो ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा या तो फिर अलग तरीके के लेंस को यूज करते हुए स्पेक बनवाने पड़ेंगे। तो दूरदृष्टि दोष एक ऐसा कंडीशन है जहां पर व्यक्ति दूर की चीजों को देख सकता है क्लियरली, ना कि पास की चीजों को। हालांकि नाम थोड़ा हमेशा कंफ्यूज करता है, दूरदृष्टि दोष का मतलब यह नहीं होता कि दूर की दृष्टि में दोष है। यहां पर इसका मतलब कि जो आपका इमेज है वो आपका आगे या उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ना बन करके पीछे बन जाता है। क्यों? क्योंकि ये अगर आप इमेज मांग चलते हैं तो ये दूर प्रॉपर इमेज बन रहा है, बट इस केस में हमारा जो कॉर्निया या फिर आपके आंखों की जो परत है वो क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है, तो वो चीजें बहुत आपके पीछे निकल जाती हैं। इसी कारण से हम इमेज को नहीं देख पाते। तो उस पीछे बने हुए फोकस को सामने लाने के लिए हम स्पेसिफिक तरीके के लेंस को यूज करते हैं जो इमेज को पर्टिकुलर जगह पे सही तरीके से फोकस करती है और हम इसको देख सकते हैं। एक बार लास्ट में फिर से रिपीट कर दूंगा, हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष एक ऐसा कंडीशन है जहां पर किसी व्यक्ति को दूर की चीजें बहुत साफ साफ दिखाई देती है। देखिए कंफ्यूज ना होइएगा, दूरदृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं जबकि पार की चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देती हैं। इसके पीछे कारण क्या है, क्यों बोलते हैं दूरदृष्टि दोष, कि जो इमेज है वो बहुत दूर पीछे बन जाता है, इसलिए इसको दूरदृष्टि दोष बोलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।